अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनकी एक झलक पाने के लिए तीर्थयात्रियों का तांता लगा हुआ है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उनके लिए तरह तरह की सेवाएं शुरू की जा रही हैं। इसी कड़ी में त्रिपुरा से अयोध्या पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों के लिए स्पेशल आस्था ट्रेन शुरू की गई, जिसे त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने 14 फरवरी को अगरतला रेलवे स्टेशन से अयोध्या धाम जंक्शन के लिए हरी झंडी दिखाई। इसी के साथ इस विशेष आस्था ट्रेन से लगभग 400 तीर्थयात्रियों की पहली टोली उत्तर प्रदेश के अयोध्या के लिए रवाना हुई। अयोध्या के लिए ट्रेन रवाना होते ही श्रद्धालु जय श्री राम के नारे लगाते दिखे। वहीं माणिक साहा ने श्रद्धालुओं को मिलने वाली इस सुविधा के बारे में बात की है। देखिए, अभी अभी में यहाँ पर फ्लैगिंग ऑफ का कार्यक्रम यहाँ पर रखा है और त्रिपुरा से ये अयोध्या में रामलला जी को दर्शन के लिए यहाँ पर त्रिपुरा से कम मेरे पास जो खबर है 400 के ऊपर यहाँ से लोग गया है यहाँ पर, और इसलिए मैं आया था। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को, रेलवे मिनिस्टर जी को, कि ये बंदोबस्त ये लोग किया यहाँ पर स्पेशल ट्रेन। और देखिए, इन लोगों को मैंने कहा कि वहाँ जाके दर्शन करने के बाद वहाँ से आशीर्वाद ले और राम जी के पास ये निवेदन करे, त्रिपुरावासी अच्छे रहे और उसका मंगल कामना करना चाहिए, इनको कहा मैंने, और वहाँ से ब्लेसिंग लेके आए। और जिस तरह मेरे पास खबर मिला है, हम लोगों को भी जाने वाले थे, मेरा कैबिनेट कोलिक को लेके मुझे जाना था, बाद में खबर मिला इतना भीड़ हुआ है, लगभग 25 से 30 लाख लोग अभी वहाँ इतना मैंने दर्शन करने के लिए वहाँ जा रहे हैं, तो कैंसिल करना पड़ा। लेकिन हम भी उद्ग्रीव है कब जाएंगे हम, और यहाँ से इतना लोग गए तो उनको मैंने आज आया यहाँ पर, उनको मैंने बेस्ट ऑफ लीजेंड जर्नी मैंने बताया, और बहुत ही अच्छा एक सुकून मिलता है जो ये अच्छा काम के लिए जा रहे हैं। और इतना भारी मात्रा में आज तक त्रिपुरा से किसी जगह जो दर्शनार्थी होके किसी जगह जाना राम जी को देखने के लिए, उनको दर्शन करने के लिए, सिर्फ त्रिपुरा से नहीं, सारा भारतवर्ष, पूरा भारत में ये अभी सभी जगह से जा रहे हैं और ये एक अच्छा माहौल तैयार हुआ है। जय श्री राम के नारों से अगरतला रेलवे स्टेशन गूंज उठा, पूरा वातावरण राममय हो गया।